मुझे जो ये ग्रेवी है कोई मटन वाला दे देना, तो मैं उसके पास हर हफ्ते मटन खाने जाऊँ। हमेशा नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली दिखाते रहते हो, कभी साउथ दिल्ली भी आओ। ओ पाजी, कुछ साउथ दिल्ली का भी ले आओ। तो ये ऐसे मैसेजेस हैं जो मुझे हमेशा आते रहते हैं। जी हाँ, हेलो जी, हम आपकी डिमांड पे पहुंच गए हैं साउथ दिल्ली, और ये है ओए होए डील स्पेशल। जी हाँ, ओए होए डील मतलब ऐसी ऑफर जिसमें कम दाम में बढ़िया चीज़ आपके सामने पेश की जाती है। और आपको तो पता ही है दिल्ली की अब स्ट्रीट फूड में सोया चाप कितनी अहम है। और हमने आपको दिल्ली के नॉर्थ में दिखाया, ईस्ट में दिखाया, वेस्ट में भी दिखाया, साउथ में रह गया था। तो हम साउथ दिल्ली लेके आए हैं, कहाँ पर? ये एक स्ट्रीट फूड हेवन है, अमर कॉलोनी। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। तो मैं हूँ इस वक्त अमर कॉलोनी, लाजपत नगर के बिल्कुल पास। जी हाँ, ये एक ज़माने में हमारे जैसे, जब हमने इंस्टाग्राम शुरू किया था, हम ब्लॉगर नए नए बने थे, तो हमारे लिए ये एक हेवन से कम नहीं था। यहाँ हमने बहुत कंटेंट क्रिएट किया है, और आज हम लाए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर वाला वीडियो। कहाँ पे? सामने देखिए, ये देखिए कितना साइन बोर्ड चमकता हुआ तंदूरी हट का, यहाँ पे आइए अंदर चलिए। तो लीजिए, हम अंदर आ गए हैं। ये है मिस्टर सिंह, तंदूरी हट फरीदाबाद वाले। जी हाँ, उनका ये फ्रेंचाइज आउटलेट है अमर कॉलोनी में। अगर उनका फरीदाबाद वाला अगर कभी आपका चांस लगे, तो वो बड़ा स्ट्रीट फूड स्टाइल आउटलेट है, लेकिन ये बड़ा ही प्यारा कॉजी सा इन्होंने आउटलेट बनाया है, एकदम टकाटक। और यहाँ पे हम आपके लिए एकदम शानदार डील्स लेके आए हैं, कम पैसे में मज़ा आ जाएगा। जी हाँ, सिर्फ आपके 150 रुपये लगेंगे। इस महंगाई के ज़माने में पेट भर खाना मिलेगा, पेट भर ऐसी चीज़ मिलेगी, खाओगे पेट भी भरेगा, जुबान को भी अच्छा लगेगा, और दिल भी खुश होगा। अंकित जी जो इस आउटलेट के करता रहता है हमारे साथ, अंकित जी आउटलेट के टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग सुबह 12 बजे से रात के 2 बजे तक हैं। 2 बजे 3 किलोमीटर्स तक फ्री होम डिलीवरी है। फ्री होम डिलीवरी, मिनिमम ऑर्डर 300 का रहता है, और जोमेटो स्विगी पे दोनों पे अवेलेबल है। और ये जो ऑफर चल रहे हैं, ये कब तक हैं जो ऑफर? ये 1 मंथ के लिए पूरा ऑफर है। कोई भी आएगा उसको ये ऑफर वो रिडीम कर सकता है। किसी दिन कोई छुट्टी वगैरह नहीं? 7 डेज ओपन है। 7 डेज ओपन है, ठीक है। और जब कोई आए इजिली, कोई उसको ऐसा तो नहीं होगा कि आगे बताए कि मुझे ये ऑफर चाहिए या ये? बस वो आप वो ये सीधा कह दे आके कि उसने आपकी वीडियो देखी है, वो आपकी वीडियो के मीडियम से आया है, तो उसको हम वो ऑफर वो करा दी। तो बड़ा ही आसान है। अभी मैं आपको ऑफर्स दिखाता हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पे ऑफर्स चल रही हैं। आइए सीधा कहिए कि भाई भूखा सांड का वीडियो देख के आए हैं, हमें ये वाली ऑफ़र दे दो। और सारी ऑफ़र, जो सबसे बड़ी चीज़ है, सारी ऑफ़र 150 रुपये से नीचे नीचे है। हमारे लिए सोया चाप बिरयानी लगती हुई, ये एक इनकी ग्रेवी गई, और शेफ़ से पूछते हैं, शेफ़ ये ग्रेवी क्या टमाटर प्याज की रहती है? और ग्रेवी है, और ये देखिए सोया चाप के पीसेस गए ग्रेवी के अंदर। मसाले जाते हुए, और जो ये आपको पीसेस दिख रहे हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये सोया चाप नहीं है, ये मॉक मीट है जो प्योर वेज में आता है, ये कोई नॉन वेज आइटम नहीं है, वो यूज़ किया जाता है। और इसमें जा रहे हैं अब ये राइस, ये देखिए कितनी चीज़ें, ये दो टाइप के, एक येलो कलर के, एक रेड कलर के राइस, खड़े मसाले, अदरक, धनिया, वाह पूरा तैयारी है, एकदम टिपिकल बिरयानी स्टाइल करने का। खुशबू आ गई है, महक बहुत प्यारी, मॉक मीट वाली। और ये देखिए ये बिरयानी तैयार हो गई है, खड़े खड़े चावल, वाह। और देसी घी की इसकी प्रिपरेशन रहती है, ये एक देसी घी गया, और ये है तैयार। तो फिश फ्राइड चाप, जी हाँ मैं फिश बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें फिश कुछ नहीं है, ये सोया है, सोया चाप है, और ये अब जा रही है तैरने कढ़ाई में। हमारे लिए KFC स्टाइल सोया चाप बनती हुई, ये सोया चाप का बड़ा सा लंबा सा फी जो फिश जैसे रख लिया गया है, जैसे बड़ा सा एक पीस है,
उसको ब्रेड क्रम्स में लगा दिया गया है। और ये जो मैरिनेशन थी है शेफ, ये किस चीज़ की है? अच्छा, तो लीजिए ये ब्रेड क्रम्स लगते हुए KFC लॉलीपॉप। जी हाँ, KFC लॉलीपॉप है इस चीज़ का नाम। तो लीजिए ये हमारे लिए सोया चाप लगती हुई, ये पहले उनका मैरिनेशन के लिए जो एक पेस्ट सी तैयार थी वो गई, ऊपर सोया चाप के पीसीस गए और ये वेजीज जा रही हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। तो मिक्स करके देखिए बड़े ही स्ट्रॉन्ग मसाले लग रहे हैं जो ऊपर लगाए गए हैं, जो मैरिनेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसालों की लग रही है। और अब ये सीख में सजेंगे। ये गया जी प्याज, शिमला मिर्च, ये गया जी टमाटर, और अब आ रही है सीख में लगने ये सोया चाप लग गई। वाह, तो लीजिए सीख सज चुकी है और ये गई तंदूर में। तो ये एक सीख सजती हुई, तो मैं आपको बता दूं हम इनकी किचन में घूम रहे थे, ये जो शॉट्स हम शूट कर रहे थे, तो ये मेरी नज़र इनके ये चिकन पे पड़ी। जी हाँ, ये मैं चिकन बोल रहा हूँ, बेसिकली है ये मॉक मीट और बिल्कुल तंदूरी चिकन जैसा लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ये भी हमारे लिए तैयार किया जाए। और ये सीख में सजते हुए ये भी रोस्ट होगा तंदूर में। जैसे कि ये अपना आउटलेट सोया चाप आइटम्स के लिए बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सोया चाप नहीं मिलता, यहाँ पे चाइनीज़ भी मिलता है, मोमोज भी मिलते हैं, और मेन कोर्स में आपको दाल भी मिलेगी, पनीर भी मिलेगा, पराठे भी मिलेंगे। तो ये फुल फ्लेज एक वेज आउटलेट है जहाँ पे आपकी पसंद के हिसाब से बहुत कुछ है। तो खाना हमारे टेबल पर सज चुका है, 1 2 3 4 5 6 7, जी हाँ 7 प्लेट सजी हुई हैं, जिसमें से 6 ओए होए डील हैं। जी हाँ, एक एक प्लेट उठाता जाऊंगा और आपको डील बताता जाऊंगा। तो लीजिए सबसे पहली डील, जी हाँ 110 रुपये की ये प्लेट है, ये है फ्राइड फिश। जी हाँ, नाम फिश है लेकिन इसमें फिश वाली कोई चीज़ नहीं है। देखिए कितनी करारी क्रिस्प करके सोया चाप, और इसका फिश नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो इसकी मैरिनेशन है वो फिश फ्राई जैसी होती है, और जब आप इसको खाएंगे कहीं ना कहीं फील आपको आएगी कि आप फिश खा रहे हैं। तो देखते हैं ये कितना फिश के क्लोज है यहाँ पे। मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फिश खाता हूँ, जो इसकी मैरिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा, जो हरियाणा पंजाब में मच्छी मिलती है अमृतसरी स्टाइल, या छोटे छोटे शहरों में जो फिश की मैरिनेशन रहती है फ्राइड फिश की, उसके बहुत ज़्यादा ये क्लोज है। सिर्फ डिफरेंस अगर मैं इससे फिश से अगर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सोया चाप ये थोड़ी सख्त है,
फिश बिल्कुल मुलायम होती है, लेकिन अगर मैं टेस्ट और फ्लेवर की बात करूँ ये बहुत ज़्यादा क्लोज है फिश के। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको KFC पसंद है, KFC का चिकन हो चाहे वेज आइटम्स हो, तो उनके लिए जी हाँ, जैसे KFC का चिकन तैयार किया जाता है वैसे ये सोया चाप तैयार की गई है। ये देखिए, इसका नाम लॉलीपॉप रखा गया है। ये देखिए बड़े बड़े से सोया चाप के पीसेस, बिल्कुल इसकी हमने आपको हल्की सी प्रिपरेशन दिखाई थी कैसे तैयार होता है, ये टेस्ट करते हैं। इसकी जो मैरिनेशन तैयार है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है, ऐसा नहीं है कि अंदर कोई फीकापन है या कुछ है। और जो अगर आप हल्का सा स्पाइस पसंद करते हैं, जो साथ में इन्होंने ये सॉस सर्व की है चिली वाली, ये सोने पे सुहागा वाला कॉम्बो बना रही है। हल्की सी लगा ली हमने मेयो ताकि थोड़ी सी मिर्च दब सके, और ये अब परफेक्ट है। 120 रुपये में ये परफेक्ट स्नैक है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो लीजिए, नेक्स्ट ऑफर है 150 रुपये का, ये कॉम्बो है, ये सोया चाप तंदूरी सोया चाप, साथ में दो रुमाली रोटी, पूरा फुल मील है। सोया चाप देखते हैं, इसकी आपको हमने झलकियां दिखाई हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर किया गया है, ये देखते हैं। देखिए वाह, बात यह है कि देखिए जो ये सोया चाप होता है ये वाला, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, जो ऊपर मसाले मैरिनेशन की जाती है सारा खेल उसी का है। और मैं ये कहूँगा दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोया चाप, जो बहुत ज़्यादा तेज मसाले नहीं हैं, हल्के मसाले भी नहीं हैं, लेकिन बहुत फ्लेवरफुल है। पूरा ध्यान रखा गया, ये नहीं है कि मिर्चें डाल के मसाले डाल के भर दिया गया, ये ऐसी चीज़ बनाई है ज़ुबान पे जाएगी मज़ा आएगा। और अगर आप रुमाली रोटी के साथ सोया चाप खाना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है कॉम्बो। तो लीजिए, अब नेक्स्ट डील है 150 रुपये की, ये रोगन जोश है। जी हाँ, मटन रोगन जोश, नाम मटन ज़रूर है लेकिन है ये प्योर वेज, मॉक मीट यूज़ किया गया है जो वेज में आता है। और इसकी खासियत मुझे ये है कि देखिए, ये जब इस टेबल पे पड़ा था ना, इसकी सबसे ज़्यादा खुशबू इसी की थी। और इसका नाम मटन पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो इसकी ग्रेवी होती है बिल्कुल मटन रोगन जोश जैसी बनाई जाती है, बस इसमें मटन के पीसेस नहीं होते, उसकी जगह ये मॉक मीट यूज़ किया जाता है। ये 150 रुपये का कॉम्बो है जिसमें 200-250 ml के करीब आप कह लीजिए सोया चाप है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा खुशबू इसी ग्रेवी की थी इस टेबल पे। ये देखते हैं कैसा है। मुझे जो ये ग्रेवी है, कोई मटन वाला दे देना तो मैं उसके पास हर हफ्ते मटन खाने जाऊँ। ये इतनी क्लोज है मटन के कि आप इसकी जब ग्रेवी खाएंगे आप जज ही नहीं कर सकते कि आप सोया चाप की ग्रेवी खा रहे हैं या मटन की खा रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो। मैं ये कहूँगा अगर आप मेन कोर्स में कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपने ये वाला कॉम्बो तो बिल्कुल मिस नहीं करना। और इस टेबल पे सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा यही है अभी तक का। तो लीजिए, नेक्स्ट डील है वेज बिरयानी की। अब कई लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं, वेज नाम की कोई बिरयानी नहीं होती, लेकिन हम तो भाई बोलेंगे कि ये वेज बिरयानी है। और इसमें मॉक मीट बना डाल के इसको बिरयानी बनाया गया है। इसकी हल्की सी हमने आपको झलकी दिखाई थी कि कैसे तैयार की जाती है, और ये देखिए खुशबू से तो बिल्कुल फील आ रही है कि हम नॉन वेज वाली बिरयानी खाने जा रहे हैं। वैसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके साथ, बहुत ही फ्लेवरफुल है और मॉक मीट का टेस्ट बहुत शानदार से आ रहा है, क्योंकि जो उसको तैयार किया गया उसमें भी कुछ मसाले फ्लेवर्स डाले गए हैं। ये ऐसी बिरयानी है कि आप वैसे खा रहे हैं, इसके साथ आपको कोई चटनी की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, हल्का सा रायता हो तो ये एक बहुत ही शानदार कॉम्बो बनता है। इसके साथ हल्का सा बिरयानी के साथ थोड़ा सा रायता ले लीजिए, मज़ा आ जाएगा, उसके बिना भी ये लाजवाब है।
तो लीजिए मेन कोर्स में, जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ सोया चाप यहाँ नहीं मिलती, और भी चीज़ें मिलती हैं, तो हमने एक शाही पनीर वाला कॉम्बो ढूंढ निकाला है। ये भी 150 रुपये का है, दो तंदूरी रोटी है और शाही पनीर है। इसको ट्राई करते हैं, यहाँ का शाही पनीर कैसा है। ग्रेवी का रंग रूप तो बहुत खूबसूरत है, मुझे आटे की क्वालिटी भी बड़ी पसंद आई है जो तंदूरी रोटी है। वाह, इसको अच्छे से लगाते हैं, देखते हैं। ये देखिए आप ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, अगर आप कैमरा पे मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ ना, ये देखिए कितनी शानदार लग रही है। जितनी ये दिखने में बढ़िया लग रही है, देखते हैं टेस्ट में कैसी है। जितने कमाल आज की डेट में ये सोया चाप वाले कर रहे हैं ना, उतने तो नॉन वेज वाले नहीं कर पाते। बटर चिकन जैसी इसकी ग्रेवी रखी गई है और स्पाइसी नहीं है, लेकिन काफ़ी क्रीमी है, फ्लेवरफुल है। और मुझे ये लगता है कि जो शाही पनीर खाते हैं उनको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो मेरे लिए टेंशन की बात ये हो गई है कि मेरे टेबल पे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मैं अगर ये कहूँ कि मुझे एक चीज़ कौन सी अच्छी लगी, तो वो बताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और हम आप हमारे चैनल पे सोया चाप के वीडियोस देखते रहते हैं, आप देखते हैं कि हम बहुत जगहों पे जाते हैं और कई जगहों पे हमें भी मज़ा नहीं आता, लेकिन ये ऐसा आउटलेट है, मेरे घर से बहुत दूर है, लेकिन अगर ये मेरे घर के पास होता तो मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ हर हफ्ते एक आइटम मैं ज़रूर मंगवा। तो लीजिए ये है तंदूरी चिकन। हम अंदर किचन में जब ये सारी चीज़ें तैयार हो रही थी तो हम प्रिपरेशन देख रहे थे, तो मेरी नज़र पड़ी थी और ये सबसे अट्रैक्टिव लग रहा था और इतना क्लोज था नॉन वेज के, ये हमारी किसी भी डील में नहीं है, तो मैंने लेकिन टेस्ट के लिए इसको मंगवा लिया क्योंकि बहुत लाजवाब लग रहा था। एक बार ये देखते हैं क्या है इसका, जितना देखने में ये शानदार था, खाने में है कि नहीं है। सही में फील पूरी दे रहा है कि तंदूरी चिकन खा रहे हो, मसालेदार, बढ़िया से मैरिनेट हो गए, पूरी फील है। और जैसे कि अब सावन चल रहे हैं, कुछ लोग नॉन वेज नहीं खाते, आगे नवरात्रे आने वाले हैं तब भी लोग नॉन वेज नहीं खाते, हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे होते हैं जब लोग नॉन वेज नहीं खाते, तो अगर आपको क्रेविंग हो तो अब आपको पता है कि यहाँ पे अमर कॉलोनी में ये आउटलेट है जहाँ पे आपकी नॉनवेज की क्रेविंग दूर हो जाएगी, और बाकी वेजिटेरियंस के लिए तो ये शानदार आउटलेट है ही है।